हज 2024 के अंजमिन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा 82,900 रूपये की तीसरी किश्त भरने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल घोषित की गई है। इस संबंध में अंजुमन खादिमुल हुज्जाजों के कार्यदर्शी एवं कर्नाटका हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खात्री ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से अपील की है कि वह आखिरी तारीख से पहले किश्त जमा करें। इस अवसर पर अंजुमन के ट्रेजरर मोहम्मद शरीफ और सदस्य सैयद इस्माइल आदि उपस्थित रहे। इन साल हज को जाने वाले तमाम मुंतखबा आजमीन हज के लिए यह इत्तला बड़ी अहम है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी तीसरी किस्त का ऐलान कर दिया है, जिसका तमाम आजमीन को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। इससे पहले आपने पहली किस्त में 81,800 रुपये और दूसरी किस्त में 1,70,000 रुपये, इस तरह मुंजमिला 2,51,800 रुपये आपने जमा करा दिए हैं। अब तीसरी किस्त हैदराबाद इम्बारकेशन पॉइंट से जाने वाले नॉर्थ कर्नाटका के तमाम आजमीन बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर वालों के लिए 82,900 रुपये तीसरी किस्त का ऐलान हुआ है और आपको ये किस्त 27 अप्रैल के अंदर अंदर दाखिल कर देनी है। मैं यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि ये जो किस्त है ये कुर्बानी की रकम इससे अलावा है और खाने पीने के अखराजात के लिए आपको अपने साथ 1500 से कम 2000 रियाल साथ ले जाना है, वो रकम भी अलहदा है। तो इस तरह जुमला आप लोगों को 3,34,700 रुपये होंगे और ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक टेंटेटिव अमाउंट है, यानी अंदाजन ये रकम ली जा रही है, इसमें कमी या ज़्यादती की गुंजाइश है, इस तरह सर्कुलर में बताया गया है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन रुबात के ज़रिए होगा, अभी तक तो रुबात का कोई ड्रा हुआ नहीं, कोई लिस्ट जारी नहीं हुई कि किसको रुबात अलाट हुआ है और किसको नहीं हुआ। अगर किसी को रुबात अलाट होगा और उनका नाम ड्रा में आएगा तो उनको जो अकोमोडेशन की जो रकम है वो रकम आपके अकाउंट में वापस डाल दी जाएगी। पहले आपको ये रकम जमा कर देना है जो भी रकम का ऐलान हुआ है। इसलिए 82,900 रुपये आप लोग 27 अप्रैल से पहले पहले जमा करा दें।